से 3.5 लाख और ऑनलाइन डोनेशन 2 लाख का मिला है। ऐसा कुल मिला के 50 लाख डोनेशन एवरेज पर डे संस्थान को मिलता है, यानी उसमें डोनेशन में कमी आई है। नोटबंदी की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या भी घटी है। लाइनें अब एटीएम और बैंकों के बाहर लग रही हैं। साईं मंदिर के भीतर लाइनें छोटी हो गई हैं। 1 से 8 नवंबर तक औसतन हर दिन साईं मंदिर में 71,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद 9 से 16 नवंबर तक यहाँ का 53,000 रह गया और पिछले हफ्ते तो सिर्फ 33,000 श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। इसी का असर दान में भी दिखाई दे रहा है। साईं मंदिर ट्रस्ट ने डोनेशन काउंटर पर 1,000 और 500 के नोट लेना बंद कर दिया है। भक्तों से हुंडी में भी पुराने नोट नहीं डालने की अपील की गई है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ आज तक ब्यूरो। यदि आपने किसी बैंक से कर्जा ले रखा है तो आप पुराने 1,000 और 500 रुपए के नोटों से वो कर्जा निकाल सकते हैं। ये नहीं, सिर्फ 30 दिसंबर तक आप बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चाहें तो पुराने नोटों के जरिए चुका सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो 30 दिसंबर तक 1,000 और 500 के पुराने नोट क्लियर करें। ये खबर उन लोगों को बहुत राहत देगी जो अपने बैंकों से कर्जा ले रखा है। अगर आपके पास 1,000 और 500 के पुराने नोट हैं, तो इन नोटों से बैंक का कर्जा चुकाया जा सकता है। आरबीआई ने सभी बैंकों को कर्जा चुकाना चाह रहे ग्राहकों से पुराने नोट लेने का निर्देश दिया है। ये छूट केवल 30 दिसंबर तक के लिए है। आईसीआईसी बैंक ने आज तक को बताया है कि हम 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार कर रहे हैं। ग्राहक पुराने नोटों से अपना कर्जा, क्रेडिट कार्ड का बिल और ओवरड्राफ्ट अकाउंट का हिसाब कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आईडी प्रूफ और केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक जाना होगा। इससे पहले सुबह दिल्ली में आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने घोषणा की थी कि आज से लेकर 30 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर लगने वाला ट्रांजेक्शन चार्ज भी माफ होगा। नाउ ऑन डेबिट कार्ड्स द चार्जेस बीइंग लेविड बाय द बैंक्स एंड बाय द एंड द स्विचिंग चार्जेस would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. इसके अलावा सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 21,000 करोड़ की राशि किसानों के लिए स्वीकृत की है। ये रकम नाबार्ड जिला सहकारी बैंकों के जरिए किसानों में बांटेगा। हालांकि सहकारी बैंकों पर नोटबंदी के बाद लगी पाबंदी अब भी जारी रहेगी। बैंकों में ना तो नोट बदले जाएंगे और ना ही जमा किए जा सकेंगे। माना जाता है कि इन बैंकों में नेताओं का कालाधन लगा है। एक अच्छी बात यह रही कि जैसा आरबीआई ने दावा